हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आ चुकी हूँ, आज मैं बताऊँगी आपको कि मैंगो फेशियल कैसे करते हैं। मैंगो फेशियल मतलब मैंगो फेशियल वो फेशियल नहीं है जो केमिकल वाला होता है, नेचुरली मैंगो फेशियल, जो मैंगो हम खाते हैं उससे ही हम फेशियल करेंगे। बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग सा इसका बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मैं इसका फेशियल करती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कहीं भी शादी पार्टी में जाना हो तब इसका फेशियल कर लीजिए, आप देखेंगे आपका फेस इतना ज़्यादा ग्लोइंग हो गया है और जो दाग धब्बे हैं वह भी रिमूव हो गए हैं और बहुत ही अच्छा स्किन टाइट हो गई, फ्लॉलेस हो गई है हमारी स्किन। तो चलिए फ्रेंड, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए ये देखिए फ्रेंड, मैंने आम ले लिया है, काट लिया है इसको। इसका जो पल्प है इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है? एक कटोरी में मैंने इसका पल्प निकाल लूँगी, ठीक है? हाथ से ही मैश कर लेंगे इसको, सॉफ्ट ही होता है। पका हुआ आम लेना है हमें, ठीक है? और इसमें हमें मिक्स करना है बेसन, 1 चम्मच हम इसमें मिक्स करेंगे बेसन, ठीक है फ्रेंड? एक चम्मच इसमें हम मिक्स कर लेंगे बेसन, ठीक है? और हमें इसमें क्या मिक्स करना है? हमें मिक्स करना है इसमें थोड़ा सा दही, आधा चम्मच हम इसमें दही मिक्स कर लेंगे, ठीक है? और इसमें हम करेंगे मिक्स चावल का आटा, आधा चम्मच हम इसमें चावल का आटा मिक्स करेंगे, ठीक है? और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मैंगो फेशियल रेमेडी। ये क्रीम मैंने बना ली है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है? पहले सबसे हमें अपने फेस को क्लीन कर लेना है, क्लेंजिंग कर लेना है अपने फेस को। आप चाहो तो आप दूध से भी कर सकते हो या फिर दही से अपने फेस की क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो मैंने रोज़ मैं आपको दूध से बताती हूँ अपनी फेस की क्लेंजिंग, आज मैं आपको दही से बताती हूँ। तो दही हम ले लेंगे जो हमारे घर पे रहता है, उससे हम अपने फेस की क्लेंजिंग कर लेंगे। और मैंने मैंगो क्रीम बना के रख ली है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपने फेस की दही से क्लींजिंग कर ली है। इस तरीके से पूरे फेस पे हम इसके 2 मिनट मसाज कर लेंगे, ठीक है? और फेशियल में होती हैं 3 स्टेप। एक होता है हमारा क्लींजिंग, फिर स्क्रबिंग और फिर क्रीम से मसाज। तो अब हम स्क्रबिंग के लिए क्या करेंगे? स्क्रबिंग के लिए हम लेंगे जो चीनी का पाउडर होता है ना, वो ले लेंगे और दही ले लेंगे। तो जो अभी हमने दही लिया है, आधा चम्मच हम दही ले लेंगे और आधा चम्मच हम ले लेंगे इसमें चीनी पाउडर। चीनी पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, स्क्रबिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है। जो हमारे फेस पे टैनिंग होती जमा होती है और जो डेड सेल्स जमा हो जाते हैं उसको रिमूव करता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको स्क्रबिंग करेंगे दही के साथ हम चीनी पाउडर मिक्स करके। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया है मैंगो फेशियल का, ठीक है? इससे भी हम 2 मिनट, 5 स्क्रब हम 2 मिनट ही मसाज करेंगे, क्रीम से हम ज़्यादा देर मसाज करेंगे। हल्के हल्के हाथों से ही हमें स्क्रबिंग करनी है। अब हम स्क्रब को निकाल देंगे, उसके बाद हम जो हमने क्रीम बना के रखी है उससे मसाज करेंगे, ठीक है? तो 2 मिनट मसाज कर लिए मैंने, अब हम क्रीम से मसाज करेंगे। तो इसको मैं निकाल के, तो देखिए फ्रेंड, मैंने स्क्रब कर लिया है और जो क्रीम मैंने बना के रखी हुई थी, तो क्रीम में मैंने क्या क्या मिक्स किया था? मैंने किया था मैंगो
का पल्प है वो निकाल के इसमें मिक्स किया था, दही मिक्स किया था और चावल का आटा इसमें मैंने मिक्स किया था। और इसमें हमें करना है एलोवेरा जेल आधा चम्मच मिक्स, ठीक है। एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, एंटी एजिंग का काम करता है, जो हमारी स्किन पे समय से पहले झाइयाँ आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते वह नहीं आते हैं। तो हम आधा चम्मच इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और ये क्रीम हमारी बनके तैयार है, ये देखिए। और इसको हम अपने फेस पे लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपने फेस पे, पूरे फेस पे अच्छे से इसको लगा लिया है। अगर ये क्रीम थोड़ा ज़्यादा भी बन जाती है तो इसको आप हाथ पे, गले पे, गर्दन पे लगा सकते हैं आराम से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, आराम से लगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, इसको हमें सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। 5 मिनट, 10 मिनट हम इससे मसाज करेंगे और फिर इसको हम ठंडे नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेंगे। सर्कुलर मोशन में हमें इसकी मसाज करनी है इस तरीके से। तो फ्रेंड मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, मैं मिलती हूँ आपको इसको निकालने के बाद, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मैंगो फेशियल के कितना अच्छा रिजल्ट आया है, ये देखिए कितना शाइन आ गई है फेस पे, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। कहीं भी अगर हमें शादी पार्टी में जाना है तो हम इस फेशियल को कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा इसका रिजल्ट है, इसके बहुत अच्छा ये फेशियल है। आप भी अगर इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए फ्रेंड कितना अच्छा ग्लो आया, पूरी टैनिंग निकल जाएगी, जो दाग धब्बे वह भी रिमूव हो जाएंगे और फ्लॉलेस स्किन हो जाएगी आपकी। अगर आप मेकअप, थोड़ा सा भी मेकअप करोगे, थोड़ा सा फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगा लोगे, लिपस्टिक बिंदी लगा लोगे, बस उसमें ही आपका फेस इतना निखरा हुआ, ग्लोइंग दिखेगा ना, कि सब देखते रह जाएंगे, सब पूछेंगे कि आपने कौन सा फेशियल किया और क्या फेस पे लगाया जो आपका फेस इतना ग्लो कर रहा है। और ये हर स्किन टाइप वाले, बस जिसके पिंपल्स ज़्यादा, पल्प वाले ज़्यादा, मतलब पस वाले हैं, वह इस रेमेडी को ना लगाएं, और बाकी इस रेमेडी को हर कोई लगा सकता है, मैन वुमेन कोई भी लगा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अगर जिसको आम सूट नहीं करता है तो आप उसकी जगह जैसे तरबूजा है, तरबूजे का भी जो आजकल जो फ्रूट आ रखे हैं उससे भी आप फेशियल कर सकते हो। अगर आपको सूट करता है तो आप इसका कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल है और आप अपने फ्रेंडों में इसको शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए फ्रेंड, ताकि वह भी इस वीडियो, इस रेमेडी का फ़ायदा उठा सके। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो के साथ, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। थैंक यू फ्रेंड, बाय, लव यू ऑल।